चलिए 2022 को रिवाइंड करते हैं, उसके बाद 2023 का वेलकम करेंगे। साल की शुरुआत होती है वैष्णो देवी के दौरे के साथ में। वैष्णो देवी घूमने जाते हैं और कम से कम काफी टाइम बिताते हैं हम हरिद्वार में। उसके बाद हमने फिर एक बार दोबारा से पहाड़ों पर जाने का मन बनाया और पहाड़ों की सुंदरता इतनी अच्छी होती है कि भाई आप वहाँ जाते हो एक बार तो बार बार आपका जाने का मन करता है। इसीलिए मैंने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया जागेश्वर अल्मोड़ा का, और हम जागेश्वर अल्मोड़ा के लिए निकल पड़े अपने दोस्तों के साथ में, जिसमें हमारे बहुत सारे दोस्त थे। लगभग 5 दोस्तों के साथ मैं वहां पर निकला। व्लॉग आपको वीडियो में मिल जाएगा। पिथौरागढ़ का ट्रिप किया हमने, उसके बाद पिथौरागढ़ के साथ पूरा कुमायूं हमने कवर कर लिया। अल्मोड़ा से लेकर के यहाँ तक हम चंपावत टनकपुर से लेकर के पिथौरागढ़, फिर अल्मोड़ा, उसके बाद फिर हम आगे रानीखेत गए और रानीखेत से रिटर्न होते हुए हम अपने घर पहुंचे नैनीताल होते हुए। तो इस टाइप से कंप्लीट इस बार हमने कुमायूं रीजन को कवर किया है, और उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी वीडियोस को बहुत मस्त तरीके से देखा होगा और उन्हें बहुत अच्छी लगी होंगी आपको वीडियो। नेक्स्ट ईयर भी हम ऐसे ही आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहें, ऐसे ही घूमते रहें और आपको भी घुमाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं और वेलकम करते हैं 2023 का।